नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना सुनवाई कर 12 अप्रैल तक सभी मुजरिमों के बयान पूरे कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। इसी वर्ष 2012 से लंबित इस मामले में शीघ्र फैसला आने की उम्मीद बंधी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक मुजरिम परसराम बिश्नोई की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। परसराम बिश्नोई की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करने वाली जोधपुर के विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण को यह आदेश दिए। ANM भवरी देवी का 1 सितंबर 2011 को लापता हो गई। इसके बाद मामले की जांच CBI को सौंपी गई। CBI ने इस मामले में 3 अलग अलग आरोप पत्र वर्ष 2012 में पेश किए। इस मामले में CBI की तरफ से कुल 197 गवाह पेश किए गए। इन सभी के बयान पूरे हो चुके हैं। वही मामले में 17 मुजलिम हैं। प्रत्येक मुजलिम से कोर्ट ने 1044 प्रश्न पूछने तय किए हैं। सवालों की लंबी सूची होने के कारण अब तक सिर्फ 3 मुजलिमों के ही बयान हो पाए हैं, चौथे के बयान ले रहे हैं। ऐसे में रोजाना सुनवाई होने से शेष मुजलिमों के बयान शीघ्र पूरे होने की उम्मीद बनती है। जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाने में अमरचंद नाम के एक व्यक्ति ने 1 सितंबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी ANM भवरी देवी लापता है। साथ ही उसने अपनी पत्नी के अपहरण की आशंका जताते हुए तत्कालीन राज्य सरकार में मंत्री महिपाल मदेना सहित 2-3 लोगों पर शक जाहिर किया। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। मामले की जांच कुछ आगे बढ़ती रही। बीच राज्य सरकार ने बढ़ते विरोध को ध्यान में रख मामले की जांच CBI को सौंप दी। CBI ने 3 दिसंबर 2011 को महिपाल मदेना से पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस मामले में कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई का भी नाम आया, उन्हें भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस मामले में 15 अन्य गिरफ्तारियां भी हुई। इसके बाद से महिपाल व मलखान अभी तक जेल में ही हैं। CBI का दावा है कि भवरी देवी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई, बाद में शव को जलाकर उसकी राख को राजीव गांधी लिफ्ट नहर में बहा दिया गया। यह मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।